नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। हम आपको दिखाते हैं मऊ की खबरें। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह भीमा। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। बिजली विभाग की कारस्तानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही घर में, एक ही परिवार में तीन तीन बिल का आ जाना, उंगलियां उठना लाजमी है। जी हाँ, ये पूरा मामला है रकौली गांव का, जहां एक ही परिवार, एक ही घर में बिजली का बिल, तीन तीन बिल आ गया है, जिसको लेके सवालिया निशान उठ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। मैं हूं सरिता पाल। एक परिवार और बिजली की तीन बिल। मामला मऊ के रकौली गांव का। मऊ पूरे जनपद में बिजली विभाग के कारस्तानी का गजब का खेल खेला जा रहा है। बेलगाम अधिकारी व कर्मचारी दोनों हाथ से लूट रहे हैं, तो वहीं आम जनता पूरी तरह से त्राही त्राही कर रही है। इस सरकार में कोई सुनने को भी नहीं है तैयार। आप सुनकर रह जाएंगे हैरान, जब एक छोटे से परिवार में अथवा एक ही घर से अलग अलग नामों से तीन बिजली कनेक्शन दिखाकर बिल कई महीनों से भेजा जा रहा था। उपभोक्ता परेशान है कि कैसे देंगे तीन बिलों का भुगतान। बताया जाता है कि बिजली के बिल को सुधारने के लिए उपभोक्ता आला अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक चक्कर काट रहा है, फिर भी बिल में कोई सुधार नहीं है। ये पूरा प्रकरण है मऊ शहर से सटे गांव रकौली का। अरुण सिंह भीमा के साथ तहलका न्यूज से सरिता पाल की रिपोर्ट। क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या ये है कि मेरे पिताजी के नाम से लाइट कनेक्शन का दो बिल आता है और चाचा के नाम से एक बिल आता है, जबकि परिवार मेरा एक ही है, मकान एक ही है, पांच रूम का मेरा घर है और परिवार संयुक्त मेरा है। तीन तीन बिल आता है और तीन तीन बिल का हम पेमेंट किसको देने? हम काफ़ी दिनों से इनको अप्लीकेशन देते हैं, बाई फेस मिलते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन किसी के कान तक जू नहीं चलता है। ये मेरी समस्या है। ठीक है, तो वो घर घर जा करके, डोर टू डोर जा करके वो कनेक्शन दे रहे हैं सौभाग्य में। उसमें ज़्यादातर नहीं, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने डबल कनेक्शन दे दिया है, जिसमें डिवीजन का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब उनका बिल जनरेट होगा, अगर वो आते हैं, दो जनरेट हो जाएगा बिल, तो वो आते हैं कि सर ये डबल जनरेट हो गया, तो हम एक जो कनेक्शन है उनको डिलीट कर देते हैं। आप देखते रहिए तहलका न्यूज, सबसे तेज, सबसे ज्यादा मऊ का नंबर वन चैनल तहलका न्यूज। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।